हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दीदी ये कैसे करूँ मैं, आपका स्वागत है। फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं विदाउट डिले किए हुए, विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। तो फ्रेंड्स पहला टिप्स है मेरा, इस तरह से डब्बे को लगा, इस तरह का जो मैगी का नूडल्स का डब्बा मिलता है जो हम ख़रीदते हैं इंस्टेंट नूडल्स वाला, तो वो डब्बा हो या आपके पास टूटी हुई कोई भी ना कॉफ़ी मग हो तो आप वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैं इस डब्बे का बहुत ही बढ़िया यूज बताऊंगी। आपको लेना है रबड़ और कुछ इस तरीके से रबड़ को इस तरीके से आपको लगा देना है। देखिए कितने अच्छे से ये ऑर्गेनाइज हो जाएगा, बहुत ही प्यारा ऑर्गेनाइजर बन गया आपका ये। अब इसे आप मल्टीपर्पज़ तरीके से यूज कर सकते हैं। इसमें अपने फोक अलग अलग तरीके से, चम्मच हुआ या इस तरीके से सीजर हुआ या कुछ भी किचन का सामान हुआ या ड्रेसिंग एरिया पे आपके ब्रश हुए, लिप लाइनर, आईलाइनर जो भी है, आप इस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। बहुत ही काम की यूजफुल टिप्स है। आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते अगले टिप्स की तरफ। फ्रेंड्स अगला टिप्स है मेरा, इस तरह से पैरों के दर्द को लेकर आपको लेना है इस तरीके से पत्थर, और पत्थर को आपको क्या करना है ना तवे पर रख के इसको गर्म कर लीजिए, या तवे पर नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट इसे गैस पर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स पहले जो हॉट बैग नहीं हुआ करता था, पहले के लोग चूल्हे पे खाना बनाते थे और उसी में पत्थर को डाल देते थे, और जो भी उनके पैरों में और या पीठ में पेन होता था वो इस तरीके से ना पत्थर डाल के और काफ़ी देर तक गर्म रहता है। आप नोटिस करिएगा, बहुत सावधानी से इसे पकड़िएगा और इस तरीके से कोई भी मोटा कपड़ा हो या तौलिया हो ना इस तरीके से रख के, और जहाँ भी आपका दर्द हो रहा हो, पैरों में नसें चढ़ जाती हैं, कमर में दर्द होने लगता है, थाई के पास दर्द होने लगता है, तो इस तरीके से आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। और आपके इस तरीके से पैरों में दर्द है तो इसको बांध के छोड़ दीजिए, बहुत ही आराम मिलेगा। चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला टिप्स है मेरी तरह से, इस समय इतना धूप हो रहा है तो हमारे हाथों पैरों में टैन हो जाता है, मेरे हाथ भी गंदे हो जाते हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, इस रेमेडी को अपना सकते हैं। फटाफट एकदम ना आपको वाइटनिंग मिल जाएगा। आपको क्या करना है, इस तरीके से हाथों पर ही डायरेक्ट आपको कटोरी वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से मैंने जो भी चीज़ें ली हुई है ना, शैम्पू ले लेना है, हल्दी ले लेना है और गुलाब जल और थोड़ा सा वो कोलगेट ले लेना है, सभी चीज़ों को हाथों पे ही मिला के रगड़ लीजिए, 5 मिनट के छोड़ दीजिए, उसके बाद हाथ धो लीजिए। आप देखेंगे दोनों हाथों का फ़र्क, इंस्टेंट निखार मिलेगा आपके हाथों को। इसी तरीके से पैरों में भी कर सकते हैं। तो क्या आपने कभी मिक्सी में बिंदी को डाला है? नहीं डाला है ना, तो अब देख लीजिए इसका यूजफुल ट्रिक जो आपके बहुत ही काम आएगा। फ्रेंड्स अक्सर क्या होता है कि मिक्सी चलते चलते कभी रुक जाती है, या इसके नीचे जो रबड़ दिया होता है ग्रिप बनने के लिए ना, वो भी कभी निकल जाता है, इस तरीके से निकल जाता है, तो वो क्या होता है ना रेक पर बहुत फिसलने लगता है। तो कभी भी आपकी चलती चलती मिक्सी रुक जाए ना, तो पहले उसको बनवाने के लिए नहीं ले जाइए बाहर, इस तरीके से देखिए नीचे ना रेड कलर का बटन दिया होता है, तो उसको पहले ना पुश करिए अंदर की तरफ में, उसके बाद आपका जो मिक्सी है वो चालू हो जाएगा। अगर अंदर से ख़राब हुआ तो, अगर इसके बाद वो नहीं चालू होता है तब आप बनवाने ले जाइए। अगर आपकी रबड़ इस तरीके से ग्रिप ख़राब हो गई है या रबड़ ख़राब हो गया है, तो इस तरीके से आप बिंदी को उस पर लगा देंगे ना, तो सरके गले देखिए मेरे यहाँ ऊपर का भी निकल गया है, तो इसमें पानी वगैरह ना जाए, गंदगी ना जाए, उसके लिए भी इसमें आप इस तरीके से बिंदी को लगा देंगे ना तो ये सेफ रहेगा। आई होप आप लोग को ये टिप्स समझ में आ गया हो और अच्छा लगा हो, तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। फ्रेंड्स अगला टिप्स है मेरा, इस तरह से सेव को लेकर। सेव तो हम सभी खाते हैं, सेव खाने से हमारे हेल्थ भी अच्छे रहते हैं और अच्छा भी होता है इसे खाना। बड़े तो आसानी से खा लेते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को खिलाना। बच्चे जल्दी सेव नहीं खाते हैं, जो 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने के बच्चे हैं उनको भी ये दिया जाता है, या 1 साल के बच्चे वो भी नहीं खा पाते हैं, तो उनको पेट भरना तो है ही है, लेकिन साथ में पौष्टिक चीज़ों को भी देना ज़रूरी होता है। उस केस में आप इस टिप्स को अपना सकते हैं, या तो उसको खड़े सीटी लगा दीजिए, उसके अगर वैसा नहीं करना चाहते तो इसको 4 पीस कट करके इस तरह से पानी में बॉईल कर लीजिए, उसको मैश कर लीजिए ठंडा करके और चम्मच से खिला दीजिए, बहुत आसानी से बच्चे खा लेते हैं। उसका पानी आप प्लांट में डाल दीजिए। क्या आपने कभी टमाटर में ज्वेलरी को डाला है? नहीं डाला है तो अब डाल लीजिए, बहुत ही कमाल के टिप्स है। फ्रेंड्स अक्सर क्या होता है, इस तरह से हम ज्वेलरी पहनते हैं, जो डेली वाली हमारी ज्वेलरी होती है बहुत जल्दी जल्दी गंदी हो जाती है, और हम उसे बार बार मार्केट में भेज नहीं सकते हैं उसको साफ़ करवाने के लिए दुकान पर, तो इस केस में आप इस टिप्स को अपना लीजिएगा, आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। इस तरीके से आपको टमाटर लेना है, बीच से उसको कट लगा दीजिए और उसमें ज्वेलरी को डाल दीजिए और थोड़ी देर उसके छोड़ दीजिए, ठीक है। छोड़ने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद छोड़ने के बाद आपको इस तरीके से उसको ओपन करिए, उसको रब करिए और उसके बाद पानी में धो दीजिए, आपका जो ज्वेलरी है ना एकदम से चमक जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें।
चलिए बढ़ते अगले टिप्स की तरफ। फ्रेंड इस तरह से लोअर तो हम सब पहनते हैं, लेडीज़ पहनते हैं, बच्चे पहनते हैं, बड़े भी पहनते हैं, छोटे भी पहनते हैं, लेकिन कुछ इस तरीके से नॉट लगानी होती है तो हम उसे लगाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो डोरी है ना वो अंदर घुस जाती है, जिसे निकालना बड़ा ही दिक्कत होता है। तो इसका भी टिप्स निकालने का बहुत आसान तरीका मैं अपने चैनल पर वीडियो डाली हूँ, आप जाके ज़रूर देखिएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको उसको मतलब बांधना है, ठीक है। देख सकते हैं मैंने वीडियो में बहुत धीरे धीरे दिखाया ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए इस तरीके से इसको मोड़ना है। अब क्या करना है कि लेफ्ट और राइट में चेंज कर देना है, लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला चेंज में, इस तरीके से आप चेंज कर दीजिए। देखिए बहुत ही बढ़िया से नॉट हो गया और ये कभी भी खुलेगी नहीं और आपको भी खोलने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि छोर जो है ना वो अगल बगल है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। तो ये टिप्स अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बढ़ते अगले टिप्स की तरफ। फ्रेंड्स इस तरह से प्याज तो हम सब काटते हैं, प्याज का यूज भी होता है, और कुछ इस तरीके से हम प्याज को काटते हैं चॉपिंग बोर्ड पे। उसके बाद काटने के बाद हम क्या करते हैं, वो छोटी मोटी चीज़ें काटते हैं तो इस तरीके से हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करते हैं और हमारे बर्तन से बाहर गिर जाता है। उस केस में आपको छोटी सी टिप्स बताऊंगी फ्रेंड, जो आपके काम को आसान बना देगा और आपका जो टाइम है वो भी बचाएगा। इस तरीके से आप करिए, जिधर पकड़ने वाला है ना, हैंग करने वाला, उधर की साइड में डालिए तो ये बिल्कुल एकदम बर्तन में जाएगा, आपका इधर उधर नहीं गिरेगा। इससे आपका काम भी नहीं बढ़ेगा, काम गिरेगा तो आपको उठाना पड़ेगा, सफाई भी करनी पड़ेगी। तो छोटी सी टिप्स है, आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो, तो इसे ट्राई जरूर करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स अगला टिप्स है मेरा इस तरह से टी शर्ट को लेकर। जो प्रिंटेड टी शर्ट होती है ना, हम सब पहनते हैं, बच्चे भी पहनते हैं, अच्छी भी लगती है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब इसको आयरन करने की बारी आती है। क्योंकि अगर आप इस पर डायरेक्ट आयरन करेंगे तो जो उस पर पेंट होता है, जो उस पर प्रिंट बने होते हैं ना, इस तरीके से आयरन में चिपक जाते हैं, वो अच्छे से प्रेस नहीं होते और हमारा टी शर्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। उस केस में आप क्या करिए, आपको लेना है एक सिल्वर फॉयल, जो हम सबके घर में इजीली मिल जाएगा। इस तरीके से आपको फॉयल लेना है, और इसका यूज मैंने पहले से ही दो तीन बार कर चुकी हूँ इसलिए ऐसा हो गया है। इस तरीके से आपको अच्छे से उस पर फोल्ड कर देना है आयरन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आयरन को गर्म करिए, अच्छे से कवर कर देंगे ना तो वो ओपन नहीं होगा। उसके बाद आप आसानी से उसको गर्म करिए, जो भी आपका टी शर्ट है ना, इस तरीके से प्रिंटेड जो टी शर्ट होते हैं उसको बहुत आसानी से प्रेस करेंगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं है तो आप टी शर्ट के ऊपर पेपर भी बिछा सकते हैं, या उसको उल्टा करके भी कर सकते हैं। अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं है तो उस पर पेपर बिछा दीजिए, उस पर आयरन करिए, या उसको उल्टा करके करिए तो ख़राब नहीं होगा। आई होप आप लोग को टिप्स अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले टिप्स की तरफ। फ्रेंड्स अगला टिप्स है मेरा इस तरह से ब्रेड को लेकर। जब भी हम कोई डिश बनाते हैं तो अक्सर क्या होता है, इसके साइड के जो पार्ट होते हैं हम कट करके निकाल देते हैं, और इसका यूज हम क्या करते हैं, ब्रेड क्रम्स बनाने में। लेकिन आज मैं इसका बहुत ही अनोखा और टेस्टी डिश बनाना बताऊंगी, जो आपको बहुत ही पसंद आएगा और आपने कहीं नहीं इसे सुना होगा, तो आप इसे एक बार बनाइएगा ज़रूर। इस तरीके से आपके पास टुकड़े हैं उसको और छोटा छोटा पीस कर लीजिए। इस तरीके से मैंने मिर्ची काट लिया है, प्याज काट लिया है, तेल डाला कढ़ाई में, मिर्ची डाल दिया, जीरा डाल दिया, प्याज डाल दिया, सबको थोड़ा सा हल्का सा कलर चेंज होने तक इसको भुनेंगे। उसके बाद थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए इसमें, और थोड़ा सा ही इसमें मसाला डाल दीजिए, जो भी पैकेट का मसाला आप पसंद करते हो वो डाल दीजिए। उसके बाद इसको थोड़ा सा चलाइए, और उसके बाद नमक डाल दीजिए। इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद आपके जो ब्रेड है ना उसको डाल दीजिए टुकड़े टुकड़े करके, जैसे छोटे छोटे पीस में, ठीक है। इस तरीके से उसको अच्छे से मिला लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा इसमें चाट मसाला भी आप ऐड कर दीजिए, इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा और बहुत टेस्टी लगता है। चाय के साथ इसे खाइए, बहुत कुरकुरा लगता है और इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। इसमें आप चाहें तो धनिया पत्ता भी ऊपर से डाल सकते हैं और चाय के साथ खाइए। बच्चे के साथ साथ बड़े भी बहुत पसंद से खाएंगे और आपका ब्रेड भी जो है वो यूज में आ जाएगा। क्या आपने कभी लहसुन को दूध में डाला है? नहीं डाला है तो चौंक गए ना, चलिए बताती हूँ। फ्रेंड्स अक्सर क्या होता है कि लहसुन तो हम सब यूज करते हैं किचन में, डेली लहसुन का यूज हम करते हैं, और प्रॉब्लम तब आती है जब उसको छीलना पड़ता है, क्योंकि उसको छीलने से नाखूनों में दर्द होने लगता है। तो उस केस में आप क्या करिए, इस तरीके से लहसुन की पोटली को फोल्ड लीजिए, साफ़ सुथरा से कर लीजिए, उसके बाद इसको छन्नी में रखिए। और इस तरीके से कभी भी अगर आप कोई चीज़ बना रहे हैं, दूध हुआ या चावल हुआ या कोई ऐसी चीज़ जो उसका भाप निकले, इस तरीके से ना छन्नी को रख के उसको ढक दीजिए। ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा और जब भी इसको छीलेंगे ना बहुत आसानी से ये छील जाएगा। तो आई होप आप लोग को टिप्स अच्छी लगी हो। चलिए बढ़ते अगले टिप्स की तरफ। फ्रेंड्स पेटीकोट तो हम सब लेडीज़ पहनती हैं, पेटीकोट सबके पास ही होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि नई
नई पेटीकोट हम लाते हैं या उसकी डोरी अंदर चली जाती है और कभी हमें जल्दबाजी रहती है तो हम डोरी को लगा नहीं पाते हैं, लगाते हैं पिन से लगाते हैं क्लिप से लगाते हैं, बहुत टाइम लगता है। लेकिन अगर आपको 10 सेकेंड से भी कम में लगाना है तो आप इस टिप्स को अपना सकते हैं। इस तरीके से चिमटी तो हम सबके घर में होती है और फटाक से इसमें लग भी जाता है। इस तरीके से डोरी को फंसा के अपने पेटीकोट में लगा लीजिए, देखिए सेकेंड भी नहीं लगा और कितनी आसानी से डोरी अंदर चला गया। मतलब जल्दबाजी में ये टिप्स आप ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको टिप्स अच्छी लगी, तो बिना लाइक किए और शेयर किए मत जाइएगा। क्या आपने कभी झाड़ू में चूड़ी को पहनाया? नहीं पहनाया ना, तो अब पहना लीजिए। फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है कि जब भी हम कोई झाड़ू खरीद के लाते हैं तो उसमें होल रहता है और किसी किसी में नहीं होता है। तो जैसे मेरा झाड़ू है यहाँ पे, इसमें होल दिया हुआ है लेकिन होल किया हुआ नहीं है। तो इस तरीके से पहले मैं इसमें गर्म करके, कोई भी चीज़ आपके पास हो तो इस तरीके से गर्म कर लीजिए और जो भी आपके पास मेटल वाली चूड़ी हो ना, इस तरीके से उसको तोड़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, झाड़ू में इस तरीके से इसको लगा देना है। अब इसको आप बहुत आसानी से कहीं भी हैंग कर सकते हैं। अक्सर झाड़ू लोग हैंग करके रखते हैं या ज़मीन पे रखते हैं, तो ज़मीन पे रखते हैं उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरीके से आप झाड़ू को दरवाजे के पीछे हैंग करके रखेंगे तो हैंगिंग आपका झाड़ू हो जाएगा। बहुत अच्छी टिप्स है, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा वीडियो अच्छी लगी तो। बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। फिर अक्सर क्या होता है कि इस तरीके से बच्चे पढ़ते हैं, बड़े पढ़ते हैं और कोई चीज़ हमें हाईलाइट करनी होती है या उस पर मार्क करना होता है तो इस तरीके से हाइलाइटर का हम यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसका काम ख़त्म हो जाता है, अब हमें हाईलाइट नहीं चाहिए होता है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, पूरा वो कॉपी भर जाता है। तो इस तरीके से नींबू लीजिए और उसको रिमूव कर दीजिए। देखिए कितनी आसानी से ये रिमूव हो गया। मैं आपको एक बार और करके दिखा देती हूँ। आप डायरेक्ट नींबू से भी इस तरीके से कर सकते हैं, बहुत आसानी से जो हाइलाइटर है ना, जो उसका इंक है वो आसानी से मिट जाता है। लेकिन एक बार ध्यान रखिएगा, ये वर्क सिर्फ इसी कलर पे करेगा और किसी पे नहीं करता है। तो उम्मीद करती हूँ टिप्स अच्छी लगी हो। बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। फ्रेंड्स, ये मेरा टिप्स नहीं है, ये हेयर स्टाइल है। अगर कॉलेज गोइंग लड़कियाँ हैं या जो भी आप करना चाहें, बच्चों को करेंगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा। इस तरीके से मैं आपको स्लो करके बहुत अच्छे से दिखा देती हूँ। आपको ना आगे के साइड में इस तरीके से थोड़ा सा बाल लेके उसकी चोटी बना लेनी है और उसका एक छोर पकड़ के, दो तीन तीन करके हम चोटी बनाते हैं ना, तो एक को पकड़ के दो को ऊपर खींच दीजिए इस तरीके से। देखिए बहुत ही सुंदर प्यारा लगता है, आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स शेयर किए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए। तो मिलते हैं एक नए यूजफुल टिप्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।